नमस्कार, आप देख रहे हैं केके न्यूज। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सिवनी, हम आपको बता दें कि सिवनी जिले के थाना दुमा अंतर्गत ग्राम सलिया में जुआ चल रहा था, जिसकी सूचना मुखबिर से मिलने पर जिले के कप्तान कुमार प्रतीक द्वारा थाना लखनादौन एवं घनसोर पुलिस टीम का गठन कर कार्रवाई हेतु आदेशित किया गया। दोनों ही थाने की संयुक्त टीम ने सलिया के जंगल की घेराबंदी कर जुआ खेल रहे 17 जोड़ियों को हिरासत में ले लिया है, जबकि कुछ जुआरी भाग निकले में कामयाब रहे। पकड़े गए जुआरियों के पास से 2,25,000 नकद एवं 5 कार, 1 मोटरसाइकिल एवं 23 मोबाइल जब्त किए हैं। कुल संपत्ति 44,50,000 रुपये एवं ताश के पत्ते जब्त कर जुआरियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 311, 221 धारा 13 जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। हम आपको बता दें कि यह कोई पहला मामला नहीं है जब किसी अन्य थाना द्वारा कार्रवाई की जाती है, पर प्रश्न है कि क्षेत्र में इस तरह खुलेआम जुआ सट्टा किसके संरक्षण में खेला जाता है कि नज़दीकी के थाना इसकी भनक भी नहीं है और मुखबिर सीधे बड़े अधिकारी को फ़ोन लगाकर कार्रवाई के लिए कहता है, जहां पर ज़िले के कप्तान द्वारा अन्य थाना की टीम का गठन कर कार्रवाई की जाती है। आखिर प्रश्न उठता है कि धुमा थाने को जानकारी क्यों नहीं लगी? क्या कारण है कि मुखबिर ने धुमा थाना के थाना प्रभारी को सूचना नहीं दी? सिवनी से ब्रजेश शर्मा की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।